कि मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। अभी नहीं संभाले रही तालियां। मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जाली, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। बहुत अच्छा यार, वाह वाह, इतना बढ़िया सुन लिया। आप इसी तरह माला पहनाते रहिए और अपनी उम्र को हमारी उम्र में जोड़ते रहिए। हमने दादा हेम जी के पैर छुए, हमने कहा दादा प्रणाम। हेम दादा ने कहा अरे बेटा अंबर, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमने कहा तो दादा आपकी कितनी है? वो बताए हमारी 76 साल है। हमने कहा हमारी 46 साल है, अगर आपका अपने में जोड़ देंगे आपसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए इन बुजुर्गों से थोड़ा सावधान रहिए, इन बुजुर्गों से सावधान रहिए। अब गौरी जी बैठी हैं, सभा जी बैठी हैं, मीरा जी बैठी हैं। तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चार पाई नहीं है। ये इसीलिए कहते हैं इन बुजुर्गों से सावधान रहिए। हेम जी के बाल सफेद हो गए, लेकिन जिनके बाल सफेद है वो घबराए नहीं, इश्क पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं सफेद हो गए, लेकिन जिनके बाल सफेद हैं वो घबराए नहीं, इश्क पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। अब जब ये लोग छड़ी लेकर कंपनी बाग प्रतापगढ़ घूमते हैं, लड़कियां कहती हैं दादा इस उम्र में झुक झुक के खोज क्या रहे हैं। एक बूढ़ा कहता है चेहरे की यार मेरे रवानी किधर गई, वो रातें वो दिन सुहाने रातें सुहानी किधर गई, ऐसे नहीं ये मेरी कमर है झुकी हुई, ये झुक झुक के खोजती है जवानी किधर गई। वाह 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 वाह। और इन बालों की तरफ देखिए और हमारे सवालों की तरफ देखिए। अरे ये गजेंद्र बिकट जी हैं, ये बिना टिकट यात्रा करते हैं क्योंकि ये टीटी के निकट हमेशा बैठ जाते हैं। गजेंद्र बिकट जी है, ये ऐसे व्यक्ति है जो है ये प्यार में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। गजेंद्र जी प्यार बहुत जल्दी जल्दी करते हैं मगर उसमें भूल जाते हैं कुछ न कुछ। अब आप जैसे छोटे भाइयों के लिए छोड़ देते हैं। युद्ध पर निकलते हैं, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। अब प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, होठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं और गाल अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है भौजी बनी प्रधान तो कलम से करी है साइन, अब कुल बुढ़ोए निहुर निहुर के उनका मरी है लाई। अब की देखा कुल बहुत औरतें प्रधान बनी है, कुल मनसेधु प्रधान बनी है। इसीलिए आप लोग बढ़िया बेल्हा के लोग हो, अब हे अपने हेम दादा की तरफ से चार पंक्तियां इसे दे देंगे तो आप लोग हंगामा खड़ा कर देंगे, और नहीं तो हमारा कुर्ता फाड़ के पैजामा खड़ा कर देंगे। तब अंबर भाई क्या कहते हैं जो है, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जी भाई कहते जो है, पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, अब पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, बाबू तुम्हारे लड़ गए प्रधान मेरी लैला, आना नहीं इधर तुम कभी ये मान मेरी लैला, क्योंकि अरे लड़के हैं बेल्हा के शैतान मेरी लैला, लड़के हैं बेल्हा के शैतान मेरी लैला। और बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना, इतना बढ़िया सुना। अरे फिर से ना बने, हम तुरंत बने थे ना, वो बने ना। अरे उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, देखा गुले भाई संभालना, गुले जी, गुले सभा जी संभाल लेना बेटा, हमने भी बनाया।
अक्सर लोग शादी करते हैं तो साइकिल मोटरसाइकिल पहले ले आते हैं, मंगा लेते हैं, चला भले न पाए। नई नई हीरो होंडा शादी के पहले हीरो होंडा मंगवाई लियो, अब मम्मी पापा के बैठाए खंभा में लड़ाई दे। इसलिए और बहुत बढ़िया आपने प्यार से सुन लिया। कोरोना के हमारे पास जितने यहाँ कोरोना पॉजिटिव बैठे मैं उनको सादर नमन करता हूँ, क्योंकि प्रतापगढ़ के लोग कभी निगेटिव नहीं रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर ये पॉजिटिव ना होते आप तो 53 साल तक न चला पाते। ये आपकी पॉजिटिविटी का नतीजा है कि निगेटिविटी नहीं आ पाई। नदीम फर्रुख, इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों जमाए हो? हम कहे कब सम्मेलन मुशायरे में जाते, मान लीजिए कम जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहे भैया। अब नदीम फर्रुख भाई के साथ इन्हीं बालों को लेकर बम्बई CST स्टेशन पे उतर गए। हमको देखकर एक लड़की कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या? हमने कहा बिटिया हम आसाराम बापू नहीं है। तो बोले बाल कटा लो। तो एक सैलून में घुसा, मैंने कहा बाल काट दो। उसने कहा हमारे यहाँ 200 रुपया 250 रुपया लगेगा। हमने कहा हमारे पूर्वांचल प्रतापगढ़ प्रयागराज बेल्हा और फैजाबाद सुल्तानपुर में 35 रुपये 50 रुपये में काट देते हैं। एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दने उड़ा दिए। हम लोग उच्चतम भले भिन्न भिन्न हो लेकिन नीचतम हम सब बराबर हैं। वाह, तो हमसे थोड़ो जीतोगे। वाह 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 वाह। जब भाई बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह भाई। अनुपम जी ये पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हम इनको बहुत प्यार करते हैं। हालांकि एक दिन इनकी मिसेज करवा चौथ पे बहुत सद्धज के कहें कि जात है बेल्हा माई के मेला देख है अनूप जी के अनुपम जी के, तो मेला सब जब सज लेन तो ये कहन हमहू जा, तो कहें कि आपकी जरूरत क्या है, इतनी सजी हूँ बहुत लोग मिलेंगे। तब ये कैसे चार पंक्तियों में मैंने इनको कैसे ढाला और इन्होंने कैसे संभाला। इन्होंने कहा ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। तो इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। अब ए ए ए हमारे बैठे हैं, फिर से ना बन पाए, तुरंत बनाते हैं ना, वो फिर से ना बन पाए। हाल क्या है दिलों का न पूछो तुम, तुरंत बना रहे हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तो गौरी मिश्रा क्या कहती है न बन पाए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तुरंत बना रहे हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तो गौरी मिश्रा क्या कहती है। जो भी आशिक मिले उनको पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। इसी प्रतापगढ़ ने पाला है पोसा है, जहां जहां चाहा वहां वहां खोसा है। अब दुनिया ये समझती है मैं अपने माँ का बेटा हूँ, मगर ये बेल्हा की धरती का परोसा है। आओ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, हमको तो हेम जी पे भी उतने भरोसा है। लेकिन कहते हैं किसी का नाम हो जाए कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो ए लड़कियों तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। ये डॉक्टर समीम भाई हैं, ये जिस अस्पताल में डॉक्टर हैं उनकी बेगम उसी अस्पताल की नर्स है। कैसे कैसे दुख सहना पड़ता है, अपनी ही बेगम को सिस्टर कहना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे। इसमें हम और डॉक्टर साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी आया बोला टिकट,
हमने कहा समस्या विकट, जब आप आ गए दिल के निकट तो कौन ले टिकट। तो बोला टिकट, अरे हम कहे हमसे भी लेगा यार क्या। तो जब लहराया बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या। हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या। हम डॉक्टर साहब देखे तो सीट नहीं थी, ऊपर बैठ गए। जब ऊपर बैठ गए नीचे दो औरतें बैठी थी, एक की उम्र 40 वर्ष, एक की उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष में 40 वर्ष से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है। वो बोली कि 27-28। 40 वर्ष ने 30 वर्ष से पूछा आपकी उम्र क्या है, उसने कहा 17-18 साल। नीचे हम गौर से झांक रहे थे, गलती हो गई गिर गए। तो उन दोनों ने कहा ये कौन है। हम कहे हम अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप हमको खिलाइए। पहले सर्दी हुई, देखिए कोरोना का लक्षण आ गए हैं, गाइडलाइन जारी है, हमारी बारी है। हाँ, पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। वाह, मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, अब तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक हाट सबका तामझाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया। ये कोरोना मेरे बहुत